सिग्नल था ना उस पर हम रुके थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था सिग्नल शुरू है या बंद है। बस रेड सिग्नल चालू था और चालू ही रहा दो मिनट तक, तीन मिनट तक। एट लास्ट हम लोगों को आगे निकलना पड़ा उसके बाद। तो अभी हम चल रहे हैं कोराडी बाईपास पर, रिंग रोड, जो कि सामने रोड और कोराडी रोड को अभी टच होगा। बारिश शुरू हो चुकी है, अब पता नहीं आगे हमें झमाझम बारिश मिलेगी या ऐसी बूंदाबांदी रहेगी। भगवान करे कि लोकेशन पर ऐसी बारिश ना रहे ताकि हमारे इक्विपमेंट और हम लोग गीले ना हो। यार यहाँ से लेफ्ट लेना है ना। अब हम ले रहे हैं रिंग रोड के बाद जो सिग्नल आता है टुवर्ड्स नारा नारी जो जाता है, वहां से लेफ्ट लेंगे हम लोग। स्ट्रेट जा रहे हैं नारा नारी और हमने ले लिया सामने रोड पर। अब हम ले रहे हैं स्लाइट राइट टुवर्ड्स फ्लाईओवर, क्योंकि हमको फ्लाईओवर चढ़ना है। सामने रोड लग गया, अब इसी रोड पर स्ट्रेट कंटिन्यू करना है। 10-15 किलोमीटर इसी पे कंटिन्यू करना है। आज मॉर्निंग से सोच रहे थे चलेंगे जाएंगे कहाँ जाना, बस दिमाग में चल रहा था। और हम लोग अभी दोपहर में निकले, 2:30 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 2:45 हो चुके हैं। अभी हम एग्जैक्टली कोराडी नांदा में हैं। कोराडी नांदा मैंने तो पहली बार सुना नाम। कोराडी पता है मुझे, कोराडी नांदा ये एक स्टॉप दिखा अभी मुझे राइट साइड में बस स्टॉप। यहाँ से भी कंटिन्यू स्ट्रेट करना ही है हमें। तो अभी आपको बता दूँ, आज जिस लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं उस लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत। एक तो ये रिवर भी है और वहाँ एक महादेव जी का टेम्पल भी है और रॉक फॉर्मेशन बहुत प्यारे हैं। नागपुर से 40-45 किलोमीटर्स होगा। भुट्टे वाला दिखा गौरी, वही तो मैं अभी वही देख रही थी। 3:06 हो चुके हैं, दोपहर का टाइम है, बारिश बहुत प्यारी हो रही है, मौसम बहुत प्यारा लग रहा है, ड्राइव करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आगे दहगांव का बोर्ड आएगा, दहगांव के बोर्ड से हमें स्किप करना है फ्लाईओवर को जो कि स्ट्रेट चला जाता है, और दहगांव के बोर्ड से हमें लेफ्ट रखते हुए अंडर फ्लाईओवर यू टर्न मारना है। दहगांव का बोर्ड अभी से स्किप हो गया क्योंकि उसके ऊपर कोई होर्डिंग लगी हुई है। फ्लाईओवर को स्किप करके नीचे से चलना है सर्विस रोड से। अंडर द ब्रिज, यहां से राइट टर्न लेना है, यू टर्न करना है हमें, और यू टर्न करके ही जस्ट लेफ्ट साइड में जो आपको रोड दिखेगा उसी से आपको स्ट्रेट चलना है जो कि जाएगा खापरखेड़ा की तरफ। खापरखेड़ा हमें क्रॉस करना है, यहां से खापरखेड़ा 4 किलोमीटर है, आपको बोर्ड दिखे जाएगा। 4 किलोमीटर स्ट्रेट चलते हुए आओगे और खापरखेड़ा आपको लगेगा, तो लेफ्ट में आपको ना बड़ी सी चिमनी दिखेगी थर्मल पावर स्टेशन की, वहां से भी हमें स्ट्रेट चलना है। सिटी में कहीं टर्न नहीं लेना है, बस सीधा सीधा ही चलना है। स्ट्रेट आने के बाद भाने गांव का आपको बोर्ड दिखेगा लेफ्ट साइड में, उसके बाद एक फ्लाईओवर दिखेगा छोटा सा, वो फ्लाईओवर पर चढ़ना है आपको। खत्म होने के बाद लेफ्ट साइड में पारशिवनी के लिए आपको बोर्ड दिखेगा, वहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है अंदर। पारशिवनी 13 किलोमीटर है यहां से।
पुल आया, इससे राइट लेना है। बहुत प्यारे हैं, ऐसा लगेगा कोई फिल्म के सेट पर नहीं, जैसे लगता है जहाँ डाकू लोगों का एरिया होता है वैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वो कोल का जो रेसिड्यू रहता है आफ्टर बर्न, जो ऐश होता है वो लाके यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। बहुत ही औसम है, मौसम ऐसा मिला है ना उसमें तो और मजा आ रहा है चलाने में हाईवे पर। अब आपको स्ट्रेट चलते हुए ही आगना है, पारशिवनी को क्रॉस करना है, उसके बाद आपको एक लेफ्ट सावनेर की तरफ दिखेगा और आमड़ी की तरफ आपको राइट साइड दिखेगा, बस आपको वो राइट टर्न लेना है आमड़ी की तरफ। यहां से हमें लेफ्ट टर्न लेना है अभी अंदर संधिनी फार्म्स, इसका आपको बोर्ड दिखेगा, और राइट में घोगरा महादेव जहां हम जा रहे हैं अभी, 2.5 किलोमीटर है। जैसे ही गांव लगेगा आपको घोगरा देवस्थान मार्ग राइट साइड में दिखी जाएगा, वहां से राइट टर्न लेना है अंदर, थोड़ा सा गांव का रास्ता पड़ता है, लेकिन आप जब आओगे तो आपको इतने सीनिक लोकेशन मिलने वाले हैं कि आप सोचोगे वाओ यार। कोई हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो राइट साइड में दिखती है, उससे भी स्ट्रेट चलना है। हम लोग पहुंच गए अभी घोगरा महादेव, अभी उतरते हैं नीचे। यह है पार्किंग लोकेशन, गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, वहाँ आगे साइड में उधर जाना है, यहाँ से रोड है नीचे और यहाँ से जाना है उस साइड और वहाँ पे आगे लोकेशन है। ये डिसेंट है, ये उतरना है नीचे, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी दिखेंगे, आज पार्किंग वाले भैया नहीं दिख रहे हैं अभी। इस साइड में नदी वाला लोकेशन है, यहाँ हम बाद में जाएंगे। इधर है मंदिर, अभी मंदिर की तरफ चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे स्टॉल्स बंद है लेकिन वहाँ पे स्टॉल्स चालू हैं, वो देखो वहाँ। इन रॉक फॉर्मेशंस के बीच में से जो स्टेप्स हैं यहाँ से भी आप जा सकते हो, और थोड़ा आगे जाकर भी है कुछ जगह। अगर आपको मध्य प्रदेश का जबलपुर का भेड़ा घाट अगर पता होगा तो बस ये वैसे ही दिखते हैं। वो आगे मंदिर है, वहां हमें जाना है।
जब आप इस मंदिर की तरफ आओगे तो आपको ऊपर आने के बाद में सप्तऋषि का मंदिर दिखेगा। एक तो महादेव जी का मंदिर भी है और दूसरा जो है वो सप्तऋषि का है। ये सब नेचुरली फॉर्म्ड रॉक फॉर्मेशंस हैं जो कि पानी की कटिंग से बनी हुई है। क्या नेचुरल है। बेसिकली आप जब यहाँ पे आओगे ना तो आपको हर भगवान का यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्किंग्स दिखेगी और कार्विंग्स दिखेगी जो कि इन लोगों ने पेंट की हुई है रॉक्स के ऊपर में। जैसे कि ये श्री मोतन शेष, श्री नारायण देव और यहाँ से पास से पानी। रेलिंग्स नहीं है तो आपको थोड़ा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस। अभी यहाँ से अपन जा रहे हैं नीचे और यहाँ से जो एग्जिट है सीधा पानी के पास। देखिए यहाँ पर सब लोग रुके हुए हैं। हाँ चलने में इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। तो ये जो पेंच रिवर है ये आगे जाने के बाद घोगरा वाटरफॉल बनती है जाम सावली के पास में। ये जो है आगे जो दिख रहे हैं ये कुछ स्टॉल्स है जहाँ पे खाने की व्यवस्था है। अगर आपको कुछ खाना पीना रहे तो यहाँ पे आप खा सकते हो। झुनका भाकर प्रेफरेबली अगर आप वीकडेज में अगर यहाँ आओ ना फैमिली पिकनिक के लिए तो बहुत प्यारी जगह है ये। यहाँ आओ और सीरियसली आप बहुत ज़्यादा मज़े करोगे। आई होप ये जगह आपको पसंद आई हो। सीरियसली बहुत अच्छी जगह है, फैमिली पिकनिक के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। तो घर की तरफ निकल रहे हैं और आज पे एन पार्क वाले भैया तो थे ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पे भैया बैठते हैं पे एन पार्क जो कि फीस लेते हैं 40 रुपीज़ के आसपास फोर व्हीलर की। आज थे नहीं तो लकीली हम लोगों का तो चार्ज बच गया आज। तो हमने हमारी रिटर्न जर्नी तो शुरू कर दी।
बताओ नागपुर का कितना पास है साउथ, देखो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, देखो